अर्चना जी, आज हमारे बीच एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर आ रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ एक ही बंदा दुनिया में क्रिकेट नहीं खेलता। रिलैक्स करो अभी। हाँ, रिलैक्स। ये वो वाले क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने आपकी सुपारी ली हुई है। ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। बड़े बड़े गेंदबाजों की बॉल पे चौके छक्के मारने के लिए मशहूर हैं और आज ये अपनी धर्म पत्नी जी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट क्रिकेटर मिस्टर सुरेश रैना एंड हिज ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर प्रियंका रैना। आपको भी नमस्ते करने गले। वेलकम भाभी, वेलकम 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 भाजी। जोरदार तालियां सुरेश पाजी और प्रियंका भाभी के लिए। सुरेश पाजी, भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। थैंक यू भाजी। तुमसे ऐसा लग रहा है सीधे रिसेप्शन से ही आ रहे हैं अपनी। आपको पता है अर्चना जी, अभी भी इनके घर में बेटे का जन्म हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अर्चना जी, सुरेश पाजी अपने भाई हैं, इनको ज्यादा तंग नहीं करना। अच्छा, कि बेटा हुआ तो बुआ को डायमंड किंग उठी, ये सब नहीं बोलना आपके लिए। हाँ, ये अपना भाई है। हाँ, नहीं ऐसा होता है कभी कभी, पहले प्यार मोहब्बत में दोस्ती करती फिर गिफ्ट मांग लेती है। तो कोई बात नहीं, आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। वो पाजी बैठिए, भाभी प्लीज। कितने दिनों बाद साथ निकले हो आप कहीं बाहर? बिकॉज लॉकडाउन में तो सब घर पे ही रह रहे थे। नहीं, मैं तो पाजी बीच में जम्मू कश्मीर गया था। जी हाँ, मैं आपकी वीडियो ऑलरेडी देख रहा था। फिर प्रियंका फर्स्ट टाइम आई है अभी। ओके, तो हम लोग जैसी लैंड किए बॉम्बे में, एग्जिट गेट ही भूल गए कि किधर जाना है। तो मतलब 6-7 महीने भाभी आप घर पे रहे? पूरे 10 महीने, इतना टाइम जितने में एक बेबी हो जाता है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले शायद बेटे का जन्म हुआ है ना? नहीं, लॉकडाउन वाले दिन ही बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, तो हम पहले से प्लानिंग कर रहे थे लॉकडाउन में क्या। तो पाजी, उसने तो अभी तक आपको मास्क में ही देखा होगा ज्यादातर, या आप चलो नहीं पहनते होंगे, घर पे कोई स्टाफ होगा तो बिना मास्क के पहचान लेते हैं? पहचानता है पाजी बिल्कुल, कि लॉकडाउन में इतना टाइम स्पेंड किया मम्मी के साथ, दीदी के साथ, इन लॉज के साथ, तो आई थिंक मैं बोलूंगा जो टाइम था वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली बड़ों से। और पेंडेमिक इतना डिफिकल्ट अभी भी चल रहा है, तो जो बैक रूट पे जाते हैं ना चीजें, वही हल्दी का दूध, वही माँ बाप से आशीर्वाद लेना। right. तो 20 साल खेले का भी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। okay. तो वो टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड आई हैव स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद प्रियंका, क्योंकि इतने साल खेलना, फिर तो वो चीज मैंने बहुत सारा चीजें सीखी, 2 स्टेप पीछे जाके देखना अलग हो गया भाजी। क्योंकि कभी कभी हम लोग भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं, वाकई में कुछ चीजें रियलाइज करने का टाइम ही नहीं लगता कि यार हमारी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें क्या हैं। अब जाके लोगों ने, मुझे लगता है, सेहत की तरफ बड़ा ध्यान देना शुरू किया है। बिल्कुल। इम्यूनिटी नाम की क्या चीज होती है ये भी लोगों को पता चले जाएगा, आम लोगों को। हाँ, कुछ लोग अभी भी नहीं दौड़ते, अपने पति को दौड़ाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते रहते हैं। तू मेरे पति के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं आपके पति के पीछे नहीं, आप अपने पति के पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छी बात है ना, पत्नी को अपने पति के पीछे पड़ा रहना चाहिए। हाँ, सही बात है। मेरे को ये जानना अर्चना जी, मतलब जो वाइफ होती है तकरीबन कितने साल तक ऐसी रहती है? कैसी? कब जाके आपको लगता है कि थोड़ा सा पति को आजाद छोड़ना चाहिए? कभी नहीं। क्योंकि बहुत ही मतलब बेशरम होते हैं पति, अगर एक दिन आजाद छोड़ दिया तो वापस ही नहीं आते। वापस नहीं आते। देखो पता क्या होता है, वो मार पिटाई करो ना पति के साथ, वो वापस नहीं आते, अगर प्यार से रखो तो वापस आते हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा पाजी, लॉकडाउन में एक तो डोमेस्टिक हेल्प कोई नहीं थी, मतलब बाहर से कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं था, ऊपर से घर में 2 छोटे बच्चे, तो फिर क्या काम बांटा हुआ था आपने? पाजी बहुत सारे पोछे लगाए मैंने। तो प्रियंका वाज हैंडलिंग, क्योंकि उसका रिकवरी भी था और माय इन-लॉज मेरी मम्मी भी आई। अच्छा। तो पापा ने काफी हेल्प किया, मतलब सभी टैलेंटेड है घर में वो। अच्छा। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था ग्रासिया को संभालना। अच्छा। क्योंकि उसकी भी रिकवरी थी और दिल्ली डॉक्टर्स ने काफी हेल्प किया, पूरे एक्चुअली वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स ने इस पेंडेमिक ने बहुत दिखाया कि आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एक्चुअली। जिससे आप देखोगे जब मम्मी पापा के साथ थे, जो बच्चा हुआ तो वो फील ही अलग है वो, और ऐसे पेंडिंग में होने के बाद तो मुझे लगता है कि जो पोछे भी लगाए, लॉन्ड्री भी की, खाना भी बनाया, हॉस्टल में रहे भाई, आपको पता है कि वो आना चाहिए सर, आदमी को खाना बनाना बहुत जरूरी आना चाहिए। अब पता चला। तो वैसे भाभी, ज्यादा जो बेबी बॉय ज्यादा शरारती होते हैं कि बेबी गर्ल?
I think the girls. Baby girl? अभी तक तो पता नहीं चला है, अभी वो बहुत छोटा अभी है, तो बहुत छोटा पर है। ग्रासिया तो बहुत ही नॉटी है और वो स्पेशली इतना ज्यादा उसको पैम्पर करते हैं। I think आपकी भी बेटी है तो आपको। हाँ यार, वो आप प्यार लेती हैं एक्चुअली आप मतलब क्या करोगे, वो प्यार लेते हैं बच्चे। हाँ, बड़ा, लेकिन मजा भी बड़ा। लॉकडाउन में मैं तो बड़ा खुश था कि यार हमारे घर में अनायरा थी तो लॉकडाउन भी इजी निकल गया हमारा। बिल्कुल। और पहले 3 महीने तक बच्चा आंखें खोलता है जी। तो 3 महीने की जब हुई तब लॉकडाउन हुआ, फिर जब उसने मुझे पहचानना शुरू किया मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, वो कहती है बंदा कुछ करता ही नहीं है। तो मैं उसको फिर धीरे धीरे अभी निकलना शुरू किया ना घर से, तो अब वो देखती है, वो लिफ्ट तक छोड़ने आती है, फिर उसको लगता है ये डब्बा सा है उसमें जाता है, फिर ये रात को आता है। तो वो थोड़ा सा सीख गई है। पापा जी बड़ी ब्लेसिंग्स है, आप दोनों जो हैं मम्मी पापा बने हैं दूसरी बार, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहे। थैंक यू। पाजी जो है दिखते बड़े शरीफ हैं, आई मीन होंगे भी, बाकी आपको पता होगा। पर वैसे ये सवाल था मन में कि ज्यादा संभालना मुश्किल क्या होता है, बच्चों को संभालना कि बच्चों के बाप को? मैं पूछ रहा हूँ, ओपिनियन ले रहा हूँ अलग अलग। एक्चुअली मैं तो ब्लेस्ड हूँ क्योंकि ये फुल पैकेज है, खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। वाह। नहीं, ये गाना खुद भी अच्छा गाती है। नहीं नहीं नहीं, जो ये पैकेज है ना, हॉलैंड में भी खाना बनाते हैं। मुझे पाजी खाना खिलाने का शौक है। अगर कोई 10-15 लोग हैं खाने वाले तो आप भी अभी पूरा, मेरे को बड़ा शौक है खाने का, थोड़ा अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मर के। वेरी फिट, अभी पूरा ट्रेनिंग है, अभी आपकी मूवीज भी आ रही है तो खाना, फिर एक बार जब आएंगे तो मैम जब टाइम होगा तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। इनको इनवाइट करना। आप बोल रहे हैं 15 जनों के लिए खाना बनाना पसंद है, तो 13-14 का तो मैं ही खा जाऊंगी, एक इसके लिए बचेगा बस। अच्छा पाजी, मेरे को नई चीज एक पता चली कि जो आपके कोच थे वो प्रियंका के पापा थे। हाँ। हैं? तो वहां पे बैटिंग सीखने जाते थे कि प्रियंका की फील्डिंग करने जा रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है वो डेस्टिनी है, वो तो घर में भी मम्मी वर्ल्ड कप जीते कि बेटा शादी करनी है, शादी करनी है, तो मैंने कहा प्रियंका आप जानते हैं उसको, आप बात कर लीजिए। फिर पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, वो गुरुजी हैं तो अच्छा कि अच्छा शिष्य है, पढ़ाई लिखाई भी है, खेलता भी अच्छा है। तो नाना जी अड़ गए, अरे होगा कोई क्रिकेटर देख लेंगे, कोई शादी वादी। प्रियंका के नाना जी अड़ गए। हाँ, तो अच्छा। वो बिल्कुल आर्मी ऑफिसर है वो। अच्छा। तो दिल पे लग गई भाजी वो, कि मैंने कहा यार पापा भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, बेटी भी रेडी है। नाना जी ने बोला तो मैं गया, मैंने कहा प्रियंका थोड़ा देख लो, कह रही नहीं नहीं वो बात। फिर पापा ने बोला, फिर बाद में थोड़ा, अब लड़की कोई देगा पाजी, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम दोनों की भी बेटियां हैं वो। जी जी जी। तो मैंने बहुत फील्डिंग करी पाजी। तो प्रियंका आप पहले क्रिकेट देखती थी शादी से पहले, क्रिकेट का इंटरेस्ट था? हाँ, मैंने बहुत देखा है बचपन में तो। अच्छा। बचपन में सुरेश पाजी को देखा खेलते हुए? अरे हमने स्ट्रीट्स पे खेला है बहुत। अच्छा। पतंगे उड़ाई है, शी वॉच्ड 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा। तो इनके काफी डच फ्रेंड्स थे, काफी श्रीलंकन फ्रेंड्स थे, तो मैच देख रहे थे तब की। हाँ, वो सोनू भी खेल रहे। तो फिर जब घर आए पाजी जीत के, तो इतना प्यार मिला दुनिया में, इतना सब कुछ, तो लग रहा था हाँ थोड़ा, हाँ बताइए क्या है। तो वो फील थे, एक रिस्पेक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो वाला मुझे याद है, मेरा जन्मदिन था उस दिन जब फिनाले था, 2 अप्रैल को इनका वर्ल्ड कप फिनाले था। तो सडनली जब टीम इंडिया जीती तो हम लोग घरों से बाहर निकले, मगर राउंड मार के आते बाहर, बाहर निकले और मेरे घर से 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाए हम लोग, और जैम लगा हुआ था, पुलिस भी कुछ नहीं कह रही थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे। पर हाँ, वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी भाजी वो सबके लिए। पर वैसे एक बात आ रही थी प्रियंका भाभी मन में, कि जब ये जाते थे प्रैक्टिस करने आपके पापा के पास, उनको कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि है तो आखिर कोच, ये बंदा टाइम से पहले आ जाता है, एब्सेंट भी नहीं होता है, चुपचाप भी रहता है, वो तो है भी वैसे शांत है। उनको 30 साल लग गए फिगर आउट करने में, तब तुम बहुत ही छोटे थे। मतलब बचपन से आप उनके साथ प्रैक्टिस करते थे? हाँ। वाह। पर हमने ऐसा भी सुना है कि आपको फुटबॉल भी बहुत पसंद है प्रियंका। बिल्कुल, अब यूरोप में रहेंगे तो फुटबॉल फिर अच्छा लगता ही पड़ेगा। यूरोप में नहीं, बिल्कुल एक्चुअली। मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग ना कहीं एम्स्टर्डम में बैठे हुए थे, एक बंदा आया था, व्हिच टीम यू आर सपोर्ट, मैं कहा इंडिया, कहता इंडिया, उसको लगा कि इंडिया की तो फुटबॉल टीम थी नहीं उधर, कहता व्हिच स्पोर्ट, मैं कहा क्रिकेट, में मेरे को गाली दे गया वो। उसको लगा कि ये कौन है जो फुटबॉल का नाम नहीं ले रहा, पर बड़े बड़े हार्ड को रिलीजियस फैन है फुटबॉल के। टोटली। तो फिर आपने पापा कहा नहीं एक बार में भी कि पापा क्रिकेट में तो चलो अच्छा है, फुटबॉल में भी कोई ऑप्शन दिखाओ अगर लड़के इतने आते खेलने। I wanted to ask you one thing, कि
दोनों एक दूसरे को प्यार से मतलब निकनेम क्या है अक्सर ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ के हाँ जी एक दूसरे के लिए स्पेशल निकनेम मैं तो निकनेम से ही बुलाती हूँ उनका घर में जो निकनेम है सोनू वैसे ही मैं बुलाती हूँ प्रियंका गुड्डन अच्छा नहीं वो तो सब लोग बुलाते हैं आप एक दूसरे को क्या बुलाते हैं ऐसा कोई स्पेशल नाम जवाब देंगी ऐसी है लोगों के बेडरूम तक घुसती है और ये क्या करती है अभी पीछे रितेश देशमुख और जेनेली आए थे तो उनको भी पूछनी थी निकनेम एक्चुअली ना ये नाम इकट्ठे कर रही हैं किस लिए इनको परमीत सर का कोई निकनेम रखना है क्योंकि मोहल्ले वालों से कंप्लेंट आई कि मैडम जब आप सुन भी बुलाती हैं अच्छा नहीं लगता सुन बे तो मैं प्यार से कभी कभी बुलाती हूँ भाभी एक बार ना शादी के बाद भज्जी भाजी और गीता भाभी आए थे दोनों तो उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी मैंने मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ पहले तो आप देखिए मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना हाँ। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास या। दिखाओ जरा ये देख भाभी नहीं नहीं ऐसी फोटो में मत दिखाया करो लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे ये एक्चुअली बरसात हो रही थी मैच में ये गोल की फोटो है श्रीलंका तो बरसात हो रही थी कुछ करने को था नहीं बोर हो रहे थे तो हमने खुद ही एंटरटेनिंग के पोज बना लिए अच्छा ये फोटो में तो हम देख रहे हैं कि भज्जी पाजी को केट विंसलेट समझ रहे हैं तो भाभी आपके साथ भी कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो बनते हैं कभी इन्होंने किया है मैं आपको बताती हूँ शादी जब हम लोग की होने वाली थी तो ये ऑस्ट्रेलिया में थे अच्छा और हमने एक दूसरे को 8 साल से नहीं देखा था अच्छा तो फिर जब शादी की बात आई उन्होंने बोला कि हाँ शादी करनी है एग्री हो गए तो मैंने कहा थोड़ा पता कर लेती हूँ मैं इतने टाइम से टच में नहीं हूँ क्रिकेट भी नहीं देखती हूँ इंडिया में भी नहीं रहती हूँ चल क्या रहे मैंने गूगल किया तो ये फोटो सामने आ गई अच्छा फिर मुझे लगा कि अब तो मिलना पड़ेगा तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि एक बार तो मुझे मिलना है शादी से पहले आप कैसे भी करके आओ तभी हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे फिर इन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक फ्लाई किया अच्छा। चलो ठीक है कर सकते हैं 45 घंटे की फ्लाइट वर्ल्ड कप चल रहा था अच्छा तो उससे पहले हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही मिले थे नंबर था हमारे पास तो न्यू ईयर चल रहा था उस टाइम 2015 में फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था वहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम भी थी अच्छा। फिर 2 महीने का वर्ल्ड कप था 1 हफ्ते का गैप था ओके। तो मेरे पास उस टाइम डच वीज़ा नहीं था बट लकीली थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी उन्होंने मेरे पास यूके का वीज़ा था शी वॉज ऑल्सो कैरिंग द यूके वीज़ा ओके। तो आई टुक ए फ्लाइट फ्रॉम पर्थ टू दुबई 15 घंटे फिर वहाँ से 14 घंटे बीच में ऑल तो वो दुनिया मतलब जिंदगी की सबसे खूबसूरत फ्लाइट थी भाजी जाते हुए भी मोहब्बत थी आते हुए लग रहा था क्या बात है पर भाभी तो उसी में मान गए होंगे यार 45 घंटे की जो फ्लाइट लेके आ सकता था ये शादी करने आ रहा है तो फिर आई वेंट एंड बॉट ए रिंग तो मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पूछा कि प्लीज आप उनका साइज वाइज पता कर लो उसने पूरा सीधा ही पूछ लिया तो शी इज सो इंटेलिजेंट अच्छा तो उसको पहले ही पता है वो डर के मारे मेरे रिंग ऐसे ऐसे हो रहा था मैंने कहा कह रहे न्यू यू गोना बॉट ए रिंग फॉर मी मैंने कहा ये तो पूरा प्लान ही खराब कर दिया उसने और अर्चना जी इन्होंने रिंग खोला बॉक्स तो रिंग यहाँ था यहाँ नहीं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ पहले तो चलो रिंग पहनाते हैं शादी के लिए क्योंकि परसों मेरी बीवी बोल रही थी कहती दिवाली पे मुझे कुछ सरप्राइज दे रहे हो मैं कह रही ये कैसा सरप्राइज है तू खुद ही बोल रही है तो हाँ पर अच्छा ही मतलब हाँ मीन करता हूँ मैं इस पे अमल करता हूँ अब हमारे पास सुरेश भाई के और भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाभी प्लीज हैव अ लुक नो भज्जू पाग है ना ही इज अ टॉप मैन आई लव हिम ही इज अ वेरी वेरी हेल्पिंग ब्रदर जब भी कोई आप खेल रहे हो टूर पे डिफिकल्टीज होती है तो मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर प्लेयर हम लोग लकी थे इनके साथ खेले हो कोई डिफिकल्ट आप खेल रहे हो आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो ये एक प्लेयर भी थे कोच भी थे और एक मेंटोर बोलूंगा मैं और आई थिंक प्रियंका गेट अलोंग रियली वेल विद गीता भाभी नया है ग्रासिया है तो आईपीएल में हमने बड़ा एंजॉय किया है वो तो ऐसे सीनियर प्लेयर नसीब वालों को ही मिलते हैं क्या बात है बहुत जरूरी है भाई पता है ऐसी जब दोस्ती होती है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है ऐसे थोड़े ना यार वर्ल्ड कप जीत के लाए क्या बात है और भी है हमारे पास पिक्चर एक और टैलेंट ये नीचे कौन है किन के जुए निकाल रहे हो आप धोनी ना माही भाई हैं तो मैंने उनके लंबे बाल थे तो माही भाई कह रहे खुजली हो रही है मैंने देखो जो जुए में तो नहीं है
फिर लंबे बाल पाजी बहुत मुश्किल है। आप बोलो बाल कटवा के नहीं देते? नहीं, उस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ा एक अलग ही लुक था, स्टाइल भी अलग ही रखा हुआ था, और लंबे लंबे छक्के मतलब 100 मीटर 110 मीटर तो पाजी वो तो कप्तान है, वर्ल्ड कप जिताया उसने और पूरी टीम ने इतना मेहनत किया तो मुझे लगता है कि इसे टॉप है। और नेक्स्ट, ये कौन सी टीम के लिए खेल रहे भाई? तो मुझे बन नहीं रही थी वो। अच्छा, पहले तो वो कच्चे आते थे ना वो नाले वाले, तो उसमें डबल गांठ लग जाती थी, लुंगी थोड़ा इजी है। और भी है हमारे पास, ये कौन है? ये कौन है प्रियंका? ये घर पे वो किया था हेलोवीन पार्टी हमने। ये आप ही हो? हाँ। अरे बाप रे, मुझे लगा अच्छा वाह, बॉम्ब वाले जिंदा हो गए तुम्हारा। बॉम्ब वाले, बॉम्ब वाले। तो घर पे हेलोवीन पार्टी करते हो आप? वो किया था पहले तो, पहले दशहरा दिवाली होली पता था, जब से शादी हुई तो थोड़ा वो हेलोवीन के वो ही नहीं पता था। मैंने कहा नाम तो अच्छा लग रहा है, फिर कह रहे ऐसे मेकअप, मैंने कहा मुझे सजना है कैसे, प्रियंका तो विच बनी हुई थी पूरा उसका वो सब, लेकिन ये पार्टी ठीक है। तो भाभी आप ज्यादातर बाहर यूरोप में पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी इंडिया में हूँ। मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग देयर यूरोप में, सो आई वाज 21 व्हेन आई वेंट टू यूरोप। तो ये हेलोवीन हेलोवीन सब तो आपको तो खैर पता ही होगा, पिट्ठू गरम आप पता है आपको पिट्ठू गरम क्या होता है? नहीं पता? पिट्ठू गरम बहुत अच्छा गेम है। गरम आपने नहीं सुना कभी नाम? वो बॉल फेंकने वाला? फेंकने वाला नहीं, पीठ पे पटाख से मारने वाला। हमारे अभी तक पीठ पे निशान है, इतनी जोर से खेलते थे। ये सारे हम लोगों के खेल होते, मैंने देखा है ना भाजी, कंचे लड्डू गांव वाले। हमने भी खेला है, हमने कंचे खेले आपने? बिल्कुल खेला है। इतनी बड़ी बॉटल होती थी प्लास्टिक की, उसको भर के हम लोग स्ट्रीट्स में कंचे खेलते होते थे। वो वाले कंचे नहीं, बॉटल वाले नहीं, ऐसे मिट्टी में वो खोद के ना तो चलता भी आदमी ऐसे ही है, वो वाले कंचे। बचपन में बड़ी ऐसी मजेदार गेम्स होती थी। और भी हमारे पास पिक्चर्स। वाह, अभी एक मैंने चीज देखी, पाजी ने सब प्लेयर्स का ध्यान रखा है, किसी की जुए निकाल रहे हैं, किसी को केला खिला रहे हैं। देखो युविपा, युविपा से भूख लगी थी उनको। अच्छा, तो कह रहे केला खिला दो, गोई तो दे दो। तो युविपा बड़े छक्के मार रहे थे उस टाइम, पाजी जल्दी आपका एनर्जी चाहिए, मैच है कल। तो इन्होंने फिर श्रीलंका के साथ 2009 में बड़ा अच्छा बैटिंग किया था मोहाली में, 70 या 60 बनाया था कुछ। भाई सिंह इज किंग है, इज टॉप मैन। क्या बात है। और भी हमारे पास पिक्चर्स। ये नीचे तो शिखर है, ऊपर पता नहीं पाजी कौन है। ऊपर आप हो पाजी, बड़ा चेंज आया यार, मतलब अब तो दाढ़ी वाड़ी रख के तो अलग ही हो गए हो, और शिखर कितना बड़ा लग रहा है, शिखर खली लग रहा है मुझे नीचे। है ना, ये अंडर 19 का टूर है सर, वो बीसीसीआई ने एलन बॉर्डर और स्विंग आवर सर की वो होती थी स्कॉलरशिप। अच्छा, तो मैं शिखर और विनु गोपाल राव गए थे। ओके, आज ये जो वेट है ये उसके हैं, प्लास्टिक के हैं ये। अच्छा। मैं सोचू इतना वेट उठाया और बंदे के एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है। मैम आपको पता है सुरेश पाजी गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, और पाजी ने अभी रिवील किया कि प्रियंका भी गाना बड़ा अच्छा गाती है। बहुत अच्छा गाती है। बाकी समझदार आप हो, माइक आपके साथ है। गाना सुना दो प्लीज आज, हो जाएगा। भाभी पूरी दुनिया पाजी के जितने फैंस है ना, आप पहली बार हमारे शो पे आए हो, लोग सच्ची में देखना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस नहीं तो भाग जाते हैं। भाभी हम ना ऐसी चीजें इसलिए भी करवाते रहते हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ना, और स्पेशली आपको पता ही होगा कि जब घर में बच्चे हो जाते हो फिर माँ बाप दोनों का टेंशन जो होता है बच्चों की तरफ होता है, कि है ना। अभी भी आप जब फोन करती होंगी भाभी तो सबसे पहले यही होता है ना, अच्छा ग्रेसिया क्या कर रही है, रिहर्सल हो गया कि नहीं, है ना, यही बातें होती है। तो अपना ये रोमांस मिस ही हो जाता है यार, फिर टीवी पे आके करना पड़ता है। इत्तफाक देखे यार, रैना जी हमने रैना का गाना गाया और रैना जी आ गए। कपूर शर्मा भजन गाए क्यों, हर भजन आ जाएंगे। सुरेश रैना जी नमस्कार, प्रियंका जी स्वागत है आपका यार। ओहो कपूर शर्मा, ये सैटरडे संडे को सब छोड़ो, आज रैना डे मनाएंगे। रैना डे क्या होता है? देखो बारिश आती है तो रेनी डे होता है, रैना आए हैं तो रैना डे होगा। मना मत करना वरना मन्ना डे हो जाएगा। ओए कोई फालतू बातें करता रहता है, ये भैंस को शॉर्ट क्यों पहनाया हुआ तूने? अरे दैट इज शॉर्ट लेग। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है यार, इसलिए करते रहते हैं। ये तो छोड़ो, दूसरा लेग देखो यार, कितना ऐसा डेकोरेट करके लेके आए हैं, पूछे क्यों?
क्यों? That is fine leg. और बाकी के दो legs? अरे भाई साहब को खड़े होने के लिए भी पैर छोड़ो ना यार. ऐसे ही करती रहेगी क्या? लेकिन सुरेश जी, आपका batting, ओहो, I'm a fan यार. Thank you. यार भाई, आपको शायद पता नहीं है, मलिंगा है ना bowler. हाँ. उनके बाल ना पहले एकदम सीधे थे, curly इनकी वजह से हुए. कैसे? इतने धनाधन शॉट मार रहे हैं उनकी बॉलिंग पे, वो खड़े होके सोचते रहते कौन सा बॉल डालूं यार कि ये आदमी आउट हो. ये देखो करली हो गए सर, ये घुपा घुपा. अरे सर आपसे एक और बात पूछना था. हम मैच देखते हैं तो उसमें आप लोग ना ऐसा एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के ऐसा सर्कल बना के शुरुआत में खड़े रहते हैं, तो चक्कर के अंदर कोई कपड़ा चेंज कर रहा है क्या? भाई बच्चे बातें करते हैं ऐसे करके. अच्छा अच्छा, दूसरे प्लेयर का चुगली उगली करते हैं, बात करते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले. नहीं नहीं, लेकिन हमको तो सब दिखाई देता है. तो देखने से आवाज थोड़ी ना आती है. अरे तो हमें यहाँ पे लोग देख रहे, तो हमारी आवाज आ रही है ना. तो हमारे तो माइक लगा हुआ है. अरे तो माइक भी वहाँ भी लगा होता है यार, स्टंप का आवाज आता है. हाँ. ओए चल भाग यहाँ से. हम क्यों भागे, हम कौन सा रन ले रहे हैं यार. जबरदस्ती आदमी हमको भगा रहा है यार, पता नहीं क्यों. अरे बस यार, सर आपसे गुजारिश था. जी जी, अगली बार सर जब मैच खेलेंगे ना आप, तो टॉस होता है ना, वो आप डॉलर से कीजिए. क्यों? कब तक रुपया गिरेगा यार, कभी तो डॉलर भी गिरना चाहिए. वाह क्या स्टायर मारा है बच्चा तुमने, बहुत जरूरी. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. अरे सर एक और, सर एक बात आपसे पूछना था. एक बैट को बल्ला कहते हैं, बहुत सारे बैटों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बल्ले 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 बल्ले. सर इसमें कोई बड़ा जोक नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पे पंजाबी लोग बहुत है ना, वो प्रेशर डालते हैं कि हमारा जोक डालो, उनको खुश करने के लिए डालना पड़ता है. लेकिन मैम आपसे पूछना था एक बात. घर पे कपड़े तो सर धोते होंगे ना? सर सब कुछ करते हैं. करते हैं ना. बड़े से बड़े बॉलर को धो देते हैं, वो आदमी कपड़े तो धो ही सकता है यार. कमाल है. बच्चा तू यही फालतू बातें करने आया ना? नहीं नहीं सर, हम एक बहुत ही गंभीर बात करने आए हैं विदाउट द गौतम. सर क्या है, हम अपनी बीवी से बहुत प्रताड़ित हैं, फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू ओपनली, बहुत प्रताड़ित है. सो एक रिक्वेस्ट था सर, इज देयर एनी वे कि किसी चीयर लीडर से हमारी शादी करवा दें आप? तुझे शर्म नहीं आती 11 बच्चों का बाप होकर ऐसी बातें करता है? क्रिकेट में चलता है यार, वो एक टीम के मलिया साहब है ना, वो भी अपने 11 बच्चों को छोड़ के उड़नचू हो गए ना, हम भी उड़नचू हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार. हेलो. अरे ये तो बम. हेलो भाभी जी, नमस्ते. नमस्ते. कैसे रहना भाजी? मैं ठीक हूँ. आप ठीक हो? बिल्कुल. हाँ जी बच्चा जी, मैंने सुना उधर से यहाँ कुछ उड़ने अड़ने की बातें हो रही थी. अरे तितली. तुम्हारे बिना कहाँ उड़ के जाएंगे हम. हम तो इनसे बस यही पूछ रहे थे कि भाई हनीमून पर जाना था हमें, तो कहाँ जाए. तो आप क्या बता रहे थे? भाभी झूठ बोल रहे हैं, दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था ये. सच्ची कह रहे हो? हाँ. अरे नहीं यार, ये ना, ये जो पीछे से ऐसे करते हो ना, ये चोटियां नहीं एंटीना है, मुझे सब पता चलता है. हाँ करवा दो इनकी शादी तेवर सी. मैं तो वैसे भी ना, ये बंदा मुझे चप्पल उतार लूं. जी. ये बंदा ना वैसे भी मुझे ना 6 बजे के बाद पसंद ही नहीं आता भाजी. 6 बजे के बाद क्यों? क्योंकि घर ही 6 बजे आते हैं ना ये. फिर चाहे 6 बजे आए चाहे 10 बजे आए, मुझे पसंद फिर भी नहीं आना ये. तो पसंद नहीं था तो शादी क्यों की फिर इससे? मैं क्या बताऊं देवर जी, मैं ना मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं बॉक्सिंग खेलती थी, मैं बाजार गई, पंचिंग बैग इतना महंगा था, फिर मैंने ये वाला ले लिया. तो बच्चा तू मार खाता है भाभी से? नहीं नहीं, पंचिंग बैग समझ के मारती है, पति थोड़ी समझ के मारती है. आपकी, आपकी चोटी, चोटी बड़ी क्यूट लग रही है. थैंक यू थैंक यू. नहीं देखे, हम अगर चाहे ना तो एक भी घूसा इससे ना खाएं. अच्छा. पर करती क्या है ना कि जमीन पे लेटा के छाती पे बैठ जाती है, फिर यू कांट डू एनीथिंग ना. यू हैव टू लूज. झूठे. छाती किधर है बताओ? छाता है छाता. सच बताओ तितली, इस छाते ने तुम्हें कितनी बारिशों से बचाया? आए हाय. देखो जी मेरे सामने ना ये शायरी वायरी मत सुनाया करो, ज्यादा बोले ना तो ट्रक के पीछे टांग दूंगी, फिर पढ़ते रहेंगे सब बच्चे. वैसे भी इतने सालों से इस ट्रक के पीछे ही तो टंगे हुए हैं, पता नहीं कब खत्म होगा ये सफर. क्या कहा? बहुत अच्छी लग रही हो. पता नहीं कब खत्म होगा ये सफर. मैंने कहा ना मैं सब सुन लेती हूँ, कर दो आज खत्म कर दो सफर. मुझे तो वैसे भी ये बंदा ना, मैंने पाइनएप्पल मारना इसके पेट पे. मुझे लगता है मैंने इससे
शादी करके ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, तो तुमसे शादी करके हम कौन से विधायक बन गए? हाँ। काश उस समय ना थर्ड एम्पायर होता, ऐसे करके हम पूछ लेते कि ये लड़की ठीक है क्या हमारे लिए। देखा राणा जी, हर वक्त क्रिकेट की बात करते रहते हैं, क्रिकेट की बात कर करके कर करके कर करके आज हमारे 11 बच्चे हैं। क्रिकेट हमें पसंद है तो क्या करें, लेकिन आपको सच बताएं, हम पेट काट काट के पैसा लाके इसके हाथ में देते हैं कि बच्चों के लिए जोड़ के रखना। इसने गोंद लगा के सारे नोटों को एक दूसरे से जोड़ दिया। बताइए ऐसी है ये? सीधे खड़े होके थोड़ा सा आगे आजो। ये अभी इन्होंने पेट काट काट के मुझे पैसे दिए। सोचिए अगर इन्होंने पेट नहीं काटा होता तो आप लोग इनको सोफा समझ के आज इनके ऊपर बैठे होते। आए बड़े पेट काट काट के। सुरेश जी, प्रियंका जी, हम हमेशा से ना क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए इस औरत की वजह से। पर इन्होंने पूरी टीम दे दी आपको। देखो वो तो अब वो खेलेगी ना, हमारा क्या। अच्छा ये देखो, ये क्रिकेटर बनना चाहती है, इनकी फिजिक देखो। अरे ऐसे होने चाहिए फिट। आप देखो, जब ये शादी करने आए थे ना मेरे घर बाजी, घोड़ी पे बैठे, पेट पूरा घोड़ी की आंखों पे ऐसे आ गया। घोड़ी बेचारी करती ऐसे ढूंढ रही थी हमारा घर। यार कुछ बोलता क्यों नहीं यार, बोलो ना क्या हो रहा है, देख रहे हो ना। क्या मैंने क्या किया? नहीं, हम तो गेस्ट को यही बताना चाह रहे हैं, सर ये देखा ना आपने मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। You chill bro, हम करेंगे। You chill, okay bro। देखा कैसे औरतों की तरह ताने मार रहे हैं। यार मेरा भी कोई सपना था अर्चना मैम कि मेरा पति एकदम राजकुमार की तरह हो, मुझ पे अपनी जान निसावर कर दे, मेरे पे मर ही मिटे वो। लेकिन हम तुम पे मरते हैं तितली, लेकिन जब मरते हैं तब कहते हैं कहीं और जाके मरो। कहीं और जाके मरती है तो कहती है कहाँ मर गए, घर पे आके लेट जाते हैं कहते हैं यहाँ कहाँ मरे पड़े हो। एक मर्द करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, बताइए हमें। देखो सॉरी राणा जी, हमारा ना जाने का टाइम हो गया है, एक्चुअली इनको मार का ध्यान ही नहीं रहता। हाँ। डॉक्टर ने कहा ना खाना खाने से पहले 3 मुक्के, खाना खाने के बाद 2 लाते तो इनका वो टाइम हो गया है। देखो खा खा के पूरा स्टेडियम हो गया। एक रिक्वेस्ट है, अगला वर्ल्ड कप इधर हो सकता है। बहुत मजा, बीच में कुआं भी है, पानी पीने के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे थोड़ा सा मार खाने का टाइम हुआ है तो हम चलते हैं अभी खाके आते हैं। चलो सुरेश भाजी, ग्राउंड पे आपको अगर कोई बाउंसर मारता है तो आप शॉट मार के जो बॉल होती है बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हो, लेकिन बाउंसर जब घर से आए भाभी की तरफ से तो फिर क्या, मतलब कोई टेक्निक काम आती है कि खाली सर झुका के डिफेंस करना पड़ता है? वो छोड़ना पड़ता है, वो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको मारा भी तो घूम के अपने मुंह पे आएगा। आएगा सीखना पड़ता है, बड़ा भाई है तो उस हिसाब से। अच्छा भाई। अच्छा प्रियंका, कभी ऐसा होता है ना हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं, बिकॉज क्रिकेट को तो मतलब इंडिया में ऐसा माना जाता है, पूजा जाता है, और स्पेशली जब कोई प्लेयर 99 पे खेल रहा हो ना, और जो जहां पे बैठा वहीं पे बैठा रहता है यार सेंचुरी होने वाली है, तो जब सुरेश पाजी खेल रहे हैं और 99 पे खेल रहे हैं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? मेरे मन में चल रहा होता है कि बस आउट नहीं हो। अच्छा। नहीं तो आज तो पूरा इवनिंग खराब होने वाला है, because he gets back like sometimes in a very bad mood. वर्ल्ड कप में हुआ है, सचिन पाजी जो बैठे थे इधर, वीरू भाई वर्ल्ड कप में फाइनल में माही भाई बैटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो यू पर तड़ी दे रहे थे, गौती भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, तो जहां ऊपर बैठे थे वान खड़े में ऐसे कोई हिला ही नहीं, तो सचिन पाजी खुद की इधर बैठ गीता भाभी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे सब प्लेयर्स जो हैं ऑब्वियसली जब गेट टुगेदर होती है तो वाइफ जो होती है वो भी फ्रेंड बन जाती है। मैंने बहुत बार देखा है स्टेडियम में अपनी टीम जो होती है, बहुत सारे प्लेयर्स की वाइफ मैच देख रही होती है, तो भाभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप 5-6 सहेलियां गई हैं, सबके पति ग्राउंड में खेल रहे हैं जी, और किसी एक का पति 0 पे आउट हो गया तो वो फिर बाकी का मैच देखती है कि शॉपिंग निकल जाती है? नहीं नहीं, टीम को तो सपोर्ट करना बनता है ना जी, बहुत बार होता है ये बता नहीं दिए। तो ऐसे कर रात को यार सब लोग आए, गेस्ट लोग आए, देखो उसके पति ने कितने अच्छे विकेट लिए, तो मैं पहले ओवर में मारने की लगी हुई है। मेरा रोल फिर दूसरे में जब वो है ना, तो आपस में इनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। हाँ।
तो अगर उसका आउट हुआ, अरे कोई बात नहीं, हार्ड लक, नेक्स्ट गेम. अच्छा. अगर मैंने अच्छा, आपके वाले ने बहुत अच्छा खेला, तो फिर जब रूम पे आएंगे ना, तो जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, क्या किया ग्रासिया भी बोलती है वो, पापा फिर आउट हो गए. लेकिन सुरेश, कहते हैं ना कि मतलब द रूल इज दैट वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स शुड नॉट अकंपनी ना, तो तुम कितना सहमत हो इस रूल से? मुझे लगता है कि अगर वाइफ है, बच्चा है, तो वो स्ट्रेंथ है हमारी. अरे वाह. अगर वो रहेंगे तो हम और बेटर परफॉर्मेंस करेंगे. तो फिर रूल क्यों बनाए? नहीं, कुछ उसमें दूसरे प्लेयर भी थे, एक टूर पे एक लेके आए, दूसरे टूर पे दूसरी लेके चले गए. तो कह रही उस टूर पे तो कोई और थी. तो कमिटमेंट है तो फिर दिखाना पड़ेगा लोगों को वो. अच्छा. तवज्जो कि मतलब एक ही को लेके जाओ हर टूर पे, एक हर टूर पे अलग होगी, तो वो भी कहेंगे यार उस टूर पे वो किसी और के साथ आ रही है फिर. तो फिर माहौल तो खराब होगा ना भाई. पाजी, अगर आज भाभी ना आई होती साथ में, तो सेम ही स्टेटमेंट थी आपकी. बिल्कुल. नहीं नहीं, मैं आया इंटरेस्टेड. अच्छा, आईपीएल में तो भाभी ये हो गया ना कि जैसे अपने प्लेयर्स हैं, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो तो समझ में आता है कि हमारी टीम. आईपीएल में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दो फेवरेट प्लेयर हैं. अब सुरेश पाजी मान लो एक टीम से खेल रहे हैं और भज्जी पा दूसरी खेल रहे, तो मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, तो मेरे लिए ये हो जाता है मुश्किल. लेकिन जब आप आईपीएल में बैठी हैं, तो सामने टीम में कोई ऐसा प्लेयर इनको बॉलिंग कर रहा है, जो वो भी आपका फ्रेंड है, जी जी. उनकी बीवी भी आपके साथ मैच खेल रही है. और इन्होंने मार दिया उनको छक्का, तो फिर आप उनकी बीवी की तरह देखती हैं? हम लोग थोड़ा चुप जाते हैं फिर. What to say, नहीं? क्या बोल सकते हैं? क्या वाह, एक्चुअली इंडियन प्लेयर जो वाइफ है, जो आपने बहुत अच्छा बोला कि सब लोग साथ में है वो. जब देश के लिए खेलते हैं तो ये सब सारे झुंडों में आते हैं सपोर्ट करने, तो जोश मिलता है वो कि नहीं अभी देश के लिए नेशनल एंथम होता है, आदमी खड़ा है, खेलता है. आईपीएल में जैसे इंडियन जितने भी वाइफ्स हैं या जो इतने प्लेयर्स हैं, तो दे गेट अलोंग रियली वेल. साउथ अफ्रीका अलग कल्चर है, वेस्ट इंडीज का अलग है, राइट. तो उनका लाइफ, वो बिना शादी के बच्चे भी हैं किसी के, किसी की शादी हुई, वो गर्लफ्रेंड हो रही है, तो वो हमारा हिंदुस्तान में वो कल्चर नहीं है. तो मुझे लगता है कि वे लकी कि हमारे ऐसे एटिकेट्स हैं, ऐसे मैनेज, जहाँ पर हम लोग पूरा प्लानिंग कर सकते हैं. पहले कुछ सवाल है. जी जी. लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि यार ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द पिच क्या रिलेशनशिप होता है. तो सवाल ये है कि घर में गीला तौलिया कौन इधर उधर फेंकता है? लॉकडाउन में नहीं किया भाजी मैंने. अच्छा, लॉकडाउन में पूरा फ्लोर से पैर ऐसे रख के बूंद ना गिरे, करना खुद ही साफ है. तो टॉवल भी प्रॉपर अच्छे से वॉशरूम में करके, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में बहुत की चीजें सीखी, बड़ी सारी चीजें सीखी एक्चुअली. ओके. और घर पे खाना क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? वो मैं डिसाइड करता हूँ भाजी. क्यों? अगर वाइफ वेजिटेरियन है, मैं कभी कभी जैसे टाइम होता खाते हैं हम लोग, बट बच्चे को राजमा पसंद है या छोले पसंद है, तो उसको दोनों खाने, तो संडे को कभी चीट डे कर लेते हैं वैसे करके. बट प्रियंका मेक्स वेरी नाइस कॉन्टिनेंटल, पर मैं देसी टाइप हूँ, मुझे राजमा, छोले, पनीर, दाल, पीली, रोटी बनाने नहीं आती भाई. चावल कैसे बना, रोटी नहीं बनती. बैक स्टेज मैंने इनसे पूछा, मैं घर पे कौन रोटी बनाता है, डिसाइड कौन करता है कि रोटी क्या बनेगी? कहते मैं कहा वाह, कहते हाँ जो बनाएगा वही डिसाइड करेगा. यहाँ पे आके घुमा के. अच्छा, किसकी किसी की शादी में जाते हैं है ना, या कोई फंक्शन में, तो कितना शगुन देना है ये कौन डिसाइड करता है? आई एम श्योर प्रियंका. नहीं नहीं, मुझे उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है उसमें. क्यों? भी बिकॉज उसको पता नहीं है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो आई नो देम कि क्या उनको पसंद है, इसके फ्रेंड होगा तो आई नो कि मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है भाई सारा कुछ. आजकल नया ट्रेंड आ गया, हर किसी की शादी में उसकी पसंद के हिसाब से गिफ्ट. पहले तो यही होता था, वो एक लिफाफे डाल दो 100-500 हजार, 1 रुपया चिपका ही आता था पहले से, वो डाल दो काम खत्म, जिसको जो लेना ले ले. ये अक्सर करता है ये. नहीं, मेरा सिस्टम अलग है. क्या? मेरा क्या सिस्टम है, सपोज किसी को शगुन डालना ना, तो लिफाफा ऐसे किया और लिफाफा खोल दो और यहाँ पे डाल के घूमते रहो, फिर उसको दे आओ. फिर वो खोलेगा, बोलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, खाली दे क्या हो, कहीं गिर गए होंगे. तो ऐसा होता है, पर वो अलग अलग सर्कल में आप कर सकते हो, सेम फ्रेंड सर्कल में बार बार नहीं होता है. हाँ, तो ये सीखने वाली चीजें हैं कुछ. मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? अभी तो सभी हैं. करते करते रुक गया सुरेश, ऐसे डर गया. नहीं नहीं, आई हैव टू बेबीज, सो यू कैन इमेजिन. अच्छा, दो नैनी भी, तो वो कौन बताएगा. वाइफ को तो प्यार करना ही है, नैनियों का बड़ा ध्यान रखना है. अगर उसको भी नाराज नहीं करना, अगर नैनी गुस्सा होगी तो आपको पता है पाजी आजकल वो तो बहुत ही जरूरी है. बहुत जरूरी है.
अरे मैं उस दिन नायरा को बोला था, गिनी कहती है अभी ना ये सीख गई है कुछ कुछ चीजें, हेड पूछो तो हेड बताती है वेयर इज फैन फैन, तो गिनी बोले वेयर इज फैन नायरा वेयर इज फैन, इंग्लिश में बोली नहीं बोली, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, पंखा कहाँ है कुछ नहीं बोले, उसने बंगाली में बोला पंखा चल बे कहती तो मैं तो मेरे को ना शाहरुख भाई की बात याद आ गई जी जी, तो कहते यार मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना अब्राम, उसकी नैनी जो है वो केरल से है, तो बोलता है मैं शूटिंग वूटिंग में बिजी रहता हूँ ये वो, तो कहता सडनली अब्राम ने जब बोलना शुरू किया ना, मम्मा पापा वर्ड बच्चा सीखता है, तो कहता सडनली एक बार मेरे सामने आया, मेरे को कहता पापा कहते मैं घबरा गया यार, मैंने गौरी को बोला यार थोड़ा इसको सिखा हिंदी पंजाबी भी सिखा। अच्छा एक दूसरे की एक एक अच्छी बात और एक एक नॉन अच्छी बात, नॉन अच्छी बात नहीं, अच्छी बात प्रियंका की आई थिंक शी इज वेरी पेशेंस, उसको मतलब अगर मुझे गुस्सा है मैच में या कुछ है तो मैं शाउट कर सकता हूँ, फिर मुझे काम करती है वो, भाजी बाहर गुस्सा नहीं कर सकते आप, तो घर में मैं मम्मी पापा से गुस्सा हो जाऊंगा, मम्मी कहती है मर जाने तू ना बहुत गुस्सा करने लग गया है प्रियंका बोलता फिर मम्मी और प्रियंका दोनों अच्छे से रहती हैं, दोनों गेट अलोंग, तो सास और बहू का रिलेशन भाजी हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भाभी आप भी एग्री करोगे, जैसे पाजी हम लोग का बचपन बीता है, तीन बच्चे थे, मैं सोचता हूँ अभी ना हमारी दो नैनी है घर में और गिन्नी है, मैंने एक दिन ऐसे ही बोला गिन्नी को, मैं कहा गिन्नी बेबी के होने के बाद ना मैं तेरी वैसे ही रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ, पर ना इसके बाद मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है, और मेरी मम्मी बैठी सब्जी खा रही थी कुछ तो कहती तो मैंने कहती जो अकेली ने तीन पाले वो मतलब मम्मी को ये बात हर्ट हुई कि अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, मेरे को कभी बोला नहीं, वाकई हम लोगों के मन में कभी आता नहीं है शायद, हमें लगता है हाँ माँ उसका तो फर्ज है, लेकिन हाँ अगर दो शब्द बोल देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि माँ इन शब्दों की तारीफ की भूखी तो नहीं होती। इंडियन मदर्स आर समथिंग स्पेशल, जो हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों को पैम्पर करती है ऐसा आई थिंक कोई नहीं करता होगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्यार भी होता है, और बाहर आप देखो बाहर वैसा वाला नहीं होता है, जैसे वहां पे तो 100 नंबर डायल कर देती है बच्चे अगर माँ बाप पूछ गए, हमारी माँ के तो अभी तक निशान छपे हुए पीठ पे, ये प्यार ही है हिंदुस्तानी, ये प्यार ही होता है। हाँ मतलब प्यार अगर गिर गए के चोट लग गए तो पहले ये नहीं पूछती चोट और कर शरारते थक कर। एक कहावत है कि अपनी अमड़ी उधेड़े चमड़ी फिर भी अमड़ी की अमड़ी। मेरी शादी के बाद ना मेरी मम्मी की ड्रेसिंग में बड़ा बदलाव आ गया। अच्छा। एक बार मम्मी पता नहीं कि किचन में घूमती घूमती कह रही वे मेरे प्लाजो आ गए, मैं कहा प्लाजो क्या होते हैं, कहती तेरी प्लाजो नहीं पता तो प्लाजो और वो स्लिंग क्या बैग बैग डाल के मम्मी आती है, मम्मी ने ऐसे साइड स्लिंग बैग डाला, अरे आपने देखा नहीं बहुत बार पहन के आती हो, कई बार तो मम्मी मिला लेते कहती है मेरी सहेली है ना फोटो खिंचा, मैं कहा अच्छा अच्छा कब से मम्मी को जानते है, हूं ही मिले मैनू, आपने नहीं बताई इनकी अच्छी और बुरी बात। अच्छी तो बहुत सारी हैं, क्या क्या बताऊं, पर जो बहुत ही अच्छी है वो बहुत दिल से सबके लिए करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। हाँ। प्यारे हैं सुरेश भाई। और खिलाते बहुत ज्यादा हैं, वो थोड़ी खराब बात है, वो ठूस ठूस के खिलाते हैं। वो माँ ने सिखाया है वो। मैं खराब बात नहीं बोली, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, खराब बात एक दूसरे की मतलब लड़ाई करा के मर गया नहीं खराब नहीं, जैसे लेट हो गए जैसे कपिल भाई ने टाइम लगा, जैसे गाड़ी में बैठे 15 मिनट हो गया 20, अगर लेट होगा आधा घंटा बोल दो, अच्छा लेट हो रहा है एक घंटा बोल दो, लेकिन 5 मिनट करके ना एक घंटा मत लो, वो बोला अच्छा पाजी आपके दोस्तों के लिए कुछ सवाल है, कभी कभी हमसे कोई कैच मिस हो जाता है तो एक्टिंग कौन करता है कि उफ लग गई, होता है ना कि बाद में मेरे को डांटे ना मैं कुछ बहाना बनाऊं, तो बहाने कौन बनाता है मिस फील्ड होने पे? पाजी पहले होता था, अब तो लड़के सारे फिट है, अच्छा वो टीवी में दिख जाता है वो, इतना प्रैक्टिस करते हो ना, अच्छा दिखा रहा है टीवी पे ये वोट ले रहा है मैच चेंज हो जाता है ना फिर। हाँ। बहुत सारे प्लेयर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी जो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया है कि जितना आप देखोगे मतलब तो देश के लिए खेल रहे हो तो आपको जी जान से खेलना पड़ेगा, तो देश के लिए जितने प्लेयर खेलते हैं उनका जज्बा बहुत अलग है वो। बिल्कुल भाई, और जैसे फिटनेस की आपने बात कही, वाकई इंडियन टीम में क्या अभी कैप्टन कोहली है, तो कोहली खुद इतना फिट है कि मतलब ऑब्वियसली बाकी प्लेयर्स को भी उठता है यार कि हमारा कैप्टन फिट है तो हमें फिट होना है। पहले मैं देखता था जब राणा तुंगा आते थे श्रीलंका से, वो बाद में पहुंचते थे उनका पेट पहले पहुंच जाता था तो मैं सोचता था तब फिटनेस में वो खड़े हो गए चौके, भाग के तो रन लेते नहीं थे है ना, कि जो यहाँ पे लग गया वही प्रसाद समझे भगवान का। पर हाँ अभी चेंज ही हो गया माहौल क्रिकेट का। अच्छा आज मैच में देख तेरा भाई क्या करता है,
ऐसा कौन बोलता है? शिखर बोलता है वो, और करके आता है वो। क्या बात है तेरा भाई, क्या करके आता है? फिर वो तैयार रहता है सब करके। अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बैक टू बैक 100 बनाना पाजी इज नॉट इजी। और 90 में आउट हुआ, 97 में आउट हुआ, 99 में, तो 200 बनाना मतलब। वाह क्या बात है, गुड मैन, क्या बात। अच्छा आज स्टेडियम भरा पड़ा है, खूबसूरत लड़कियां बहुत आई हैं, ऐसा कौन बोलता है? पहले बोलते थे, पर शादी से पहले सब कप्तान से लड़ाई हो रही है, मैं मिड ऑफ पे फील्डिंग करने जाऊंगा। कप्तान कह रहे इधर आ जा, इधर खड़ा हो, यहाँ जरूरत है तेरी, सही नहीं मुझे पीछे ही जाना है। बहुत सारे प्लेयर करते थे वो, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा बिना नहाए मैच खेलने कौन आ जाता है? अभी तो रात वाले मैच है ना, 8 बजे। सुबह वाले बहुत है जो टेस्ट मैच में थे, बैट्समैन को लगा कि यार 70 पे नॉट आउट खेल रहा हूँ, नहाऊंगा नहीं सुबह। अच्छा 100 बनेगा। तो जैसे आप पहले बोल रहे थे कि कोई ऐसे ही बैठे, तो प्लेयर भी है, किसी ने लाल कच्चा पहना हुआ है, किसी ने दूसरा जूता पहना है, तो टशन पाजी इतनी ज्यादा है उसमें, और वो हिट हो गया तो इतनी मुश्क आती है ना कभी कभी, यार तू ना ले यार तू धोले। पापी जैसे अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, कोई बंदा सुपरस्टार होता है ना, इतने बड़े प्लेयर है सुरेश राणा, जैसे भाजी एक अफवाह ये है आपके बारे में, ये झूठी भी होती है भाभी? ऐसे मैं मतलब सवाल बताएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ प्रियंका, एक अफवाह ये है कि शादी में आपकी बहनों ने जूता चुराई की रस्म की जगह बैट चुराई की रस्म की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जूता चुरा के ज्यादा पैसे नहीं मिलने, बैट चुराएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इज इट ट्रू? वो भी वर्ल्ड कप का साइन बैट। अच्छा तो ये अफवाह कि सही है मतलब? नहीं ये सही है, बहुत ज्यादा पैसे में फिर ऑक्शन किया गया उसको। एक अफवाह ये है प्रियंका कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए आप सुरेश से सॉफ्टली बोल के घर के सारे काम करवा लेती हैं, और सुरेश भी प्रोफेशनली हस्बैंड हैं इसलिए ये कर भी देते हैं। इसमें कोई अफवाह नहीं है। सुरेश एक अफवाह ये कि जिस 2020 मैच में आप खेलते हैं क्रिकेट बोर्ड को, उस मैच में 6 लीडर्स को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आप इतने छक्के मारते हैं फिर उनको डांस बहुत करना पड़ता है, तो वो बोलती रह ना, नो नो वी विल चार्ज मोर, ऐसा होता है? नहीं, बीच में जब आप गर्मी 4 बजे खेलते हैं भाई, हैट्स ऑफ टू देम कि गर्मी में उनका पूरा मेकअप है, उनका पूरा जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है बहुत डिफिकल्ट है वो। आप जब खुद खिलाड़ी खेलते हो, कभी कभी विकेट भी गिरता है उसमें भी डांस करना है, चौका मारना है उसमें भी डांस करना है, छक्का तो मारा तो डांस करना ही है। पता नहीं कौन से मामा के बच्चे की शादी खुशी में नाच रही है, पर बड़ी खुशी से नाचती है। पर ये कफवा ये कि जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से लेके अब तक आपने जितने भी बैट्स के साथ खेला है वो सारे बैट आपने संभाल के रखे? रिसेंटली रखे थे भाई, अभी सबको दे दिए मैंने। अच्छा, मेरे जो नॉक वाले बैट हैं या किसी ने साइन करके दिया है वो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं जैसे अकेडमीज बना रहा हूँ तो मैं बच्चों को बांट देता हूँ अभी। ओके पहले मुझे बैटों से बहुत प्यार था भाई, जब मैं खेलता था वो तो भाई बैट तो आपको पता है, बैट जब हथियार अच्छा है हाथ में तो फिर डरना ही नहीं है किसी से। हम लोग पाजी अफवाहें सुनते थे कि सचिन सर का जो बैट है वो बड़ा भारी होता है। नहीं, हैवी पाजी बहुत खेलते थे, हैवी बैट यूज करते वो उनका, फिर तभी उनका टेनिस एल्बो भी हुआ था, फिर उन्होंने लाइट किया। वो तो कस्टम मेड होता है सचिन का बैट? नहीं, वो हमारे इंडिया में बहुत फैक्ट्रीज हैं ऐसी, लुधियाना में है, जलंधर में है, मेरठ में है, महाराष्ट्र में है, तो बैट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए उन सबको सलाम है कि उन्होंने ऐसे बैट दिए तभी इतना इंडिया जीती है सब। क्या बात है। वाकई क्रिकेट भले ही शुरू इंग्लैंड ने किया हो लेकिन उसको भी ऊपर जो कब्जा इंडियन लोगों ने किया है, मतलब प्लेयर्स ले लो या ऑडियंस ले लो, क्या बात है। प्रियंका एक अफवाह ये है कि जब आप नीदरलैंड्स के बैंक में जॉब करती थी तो सुरेश अपने हाथों से टिफिन बना के आपके बैंक के बाहर वेट करते थे आपका? बिल्कुल करते थे। अफवाह नहीं है सर, अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। वाह, लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने बैंक के बाहर इन्वेस्ट करके फैमिली बना ली, वाह क्या बात है। नहीं, इन्वेस्टर तो ऑलरेडी अंदर बैठा है ना। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का सिलसिला जो है समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाजी जो ना लड़कियां होती हैं, सॉरी टू से पाजी, लड़कियां थोड़ी ज्यादा मैच्योर होती हैं। मैंने देखा ईशा देओल के बेबी हुआ, उन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक बना दी, भाभी के बच्चे हुए तो इन्होंने माते करके एक प्रोडक्ट, भाभी मैं चाहता हूँ आप बताएं प्लीज लोगों को माते क्या है। और माते एक बेबी वेलनेस ब्रांड है जो मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है मेरे हस्बैंड के साथ। इट्स लाइक ऑल नेचुरल बेबी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और एज अ ब्रांड वी रियली एम्फसाइज कि बच्चों को हम जितना नेचुरल और जितना सिंपलिस्टिक केयर दे सकते हैं वो हम ब्रांड के थ्रू देते हैं।
आपने देखा ही होगा जब घर में बेबी होता है सब कोई इतने एक्साइटेड होते हैं right. और इतनी सारी एडवाइजेस भी होती हैं, इसको ऐसे मसाज करो, ये वाला ऑयल यूज करो जी. ऐसे ये बटर लगाओ नहीं लगाओ right. तो पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. और आई थिंक जब ग्रासिया हुई थी तो हम लोग उसको एज एनी अदर पेरेंट वी वॉन्टेड टू गिव हर द बेस्ट केयर. तो फिर माते पे मैंने काम करना शुरू किया कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकूँ और जो लिटरली अच्छा रिजल्ट्स दे. हाउ डू यू स्पेल दिस मामा? M-double-A-T. अच्छा, मैं आपके लिए भी लेके आऊं, पाजी के लिए भी लेके आऊं. इनके बच्चे बड़े हो गए, वो मेरे को दे दो. हां बदनाम मुझे करता है, खसोड़ता सब चीज तू है. खसोड़ता क्या, भाभी ने हमें ऑलरेडी पहले भेजे थे वो प्रोडक्ट और वो इतने अच्छे इतने ऑर्गेनिक, इन्हीं ने यूज किए, मेरे लिए लाया है, मैं ही लेकर जाऊंगी. बच्चों के लिए होते हैं? हाँ तो मैं अपने नाते पोतों के लिए रख लूंगी. हाथ से जाने नहीं देना कुछ, समेट लो सब. ये तो शुक्र है इन्होंने ये कहा नाती पोती रख लूंगी, नहीं तो ये भी कह सकती थी कि कोई बात नहीं प्रोडक्ट दे दो, मैं एक और बच्चा पैदा कर दूंगा. कल ही मैंने इसको बताया सुरेश पाजी आ रहे थे तो कपड़े सिलवा के आ गई. इसे प्लान सरप्राइज क्या है कप्पू? हाँ तुम्हें ना मेरी सर्कल के बारे में पता ही नहीं है. मतलब सेलिब्रिटीज इस शो पे आने से पहले ना मुझे फोन करते हैं. अच्छा? पूछते हैं भूरी तुम कल आ रही हो कि नहीं. वो तो आते हैं क्योंकि वो टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो गाड़ी पार्क करने के लिए कोई ना कोई है. झूठ बोलती है तू. एक बात बताओ कप्पू, तुमको हमेशा गाड़ियों की टेंशन क्यों रहती है? पहले किसी पार्किंग लॉट में काम करते थे तुम? जहाँ भी रहते थे काम तो करते थे ना, ऐसे बीच बीच में आके लोगों का काम तो नहीं खराब करते थे. पर एक तो ना ये पता नहीं ये बीच बीच में बात किसकी करता है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई. हाँ. तू समझ भी नहीं पाएगी, तू तब समझेगी जब चैनल की तरफ से लेटर आएगा ना, इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी, तब समझ में आएगा तुझे. ये चैनल वैनल के डर से ना ऊपर उठो जैसे मैं उठ चुकी हूँ. तू क्या लोगों पे बैठती है उसके? नहीं कप्पू तुम समझ नहीं रहे हो, इट्स वन लाइफ डूड, इट्स योलो, यू ओनली लिव वंस, चिल करो, एंजॉय करो लाइफ को. चले फिर. कहाँ? आप खुद ही बोल रही एंजॉय करो. कप्पू ये पर्सनल बातें हम पैकअप के बाद करेंगे, फिलहाल दो क्रिकेट चैंपियंस यहाँ पे हैं, हमें बात करनी तो ऐसे बीच में नहीं बात करते. कौन से खेल की चैंपियन? लूडो में भी इसको एक्स्ट्रा प्लेयर में रखते हैं. बात करेगी क्रिकेट की. देखो कापू जरूरी नहीं है कि जो अखरोट ना तोड़ पाए वो नारियल भी ना तोड़ पाए. समझ में आया? इसका जवाब तुझे मैं दूं कि सोनी साहब से दिलवाऊं? यार तुम जवाब छोड़, मुझे एक किलो अखरोट ही दे दो. ये है मेन काम. कपूर गेस्ट आए, मुझे गेस्ट से बात तो करने दो. सुरेश जी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपकी और धोनी की पार्टनरशिप है ना इतने सालों से, बिल्कुल वैसे डिट्टो कपूर और मेरी पार्टनरशिप है 8 साल. अरे वाह. और जैसे आप दोनों ने साथ में रिटायरमेंट ली, वैसे एक दिन कप्पू और मैं साथ में रिटायर होंगे. क्यों कप्पू? जैसे तू करती है ना यहाँ पे आके, मुझे लगता है अगले 10 मिनट में भी हो जाएगी हमारी. यही लोग विदा करके जाएंगे हमें, गाड़ी में बिठा के धक्का भी लगाएंगे. अरे कप्पू तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, स्ट्रेस मत लो. अरे हम टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, 2020 के नहीं, लंबी इनिंग्स चलेगी हमारी, डोंट वरी. साफ साफ बता तेरे कितने किस्तें बाकी हैं गाड़ी की. 6 साल. खुश? यार तुमने तो अपने एपिसोड के बना लिए ना पैसे, मुझे भी अपनी दिहाड़ी बनाने दो. आए मेन बात पे आई है. वैसे प्रियंका सुरेश मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना BPL शुरू किया है, यानी कि भूरी प्रीमियर लीग. मेरी बात सुन, भूरी कोई अच्छा सा ना बाबा देख के झाड़ फूक करवा. मेडिकल साइंस वालों ने तो मना कर दिया. अच्छा? बोलते हैं हमारे यहाँ बस का नहीं है कुछ, अब चमत्कार ही कोई उसको ठीक कर सकता है जैसी ये बातें करती है. अरे चमत्कार तो मैं क्रिकेट के ग्राउंड पे करती हूँ सुरेश जी, ये पता नहीं इसको. चमत्कार तो बड़े करती है, जैसे अभी आपके पास बैठी ना, 5 मिनट में आपका पर्स गायब, 2 मिनट में आपका नेकलेस गायब, और जब तक आपको पता चलेगा ये गायब है, ये चमत्कार करती है ये. देखो क्रिकेट की दुनिया में ना मुझे लेडी रायना बोलते हैं, सीरियसली. अरे तुम कभी पिच में आके तो मिलो, ऐसे छक्के छुड़ाऊंगी ना. मेरी बात सुन, पहले जो तू अपने दादा के दांत गिरवी रख के ये कपड़े लेके आई ना, वो पहले दादा को दांत वापस करके, अब चपातियां भिगो भिगो के चूस रहा है दादा इसका, और यहाँ बैठी हुई है. स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में कुछ नहीं पता, तुम रहने दो मुझे बात करने दो. सर पता है आपको बहुत खुशी होके जान के कि मैं ना प्रैक्टिस के लिए रोज सुबह वांखेड़े जाती हूँ, एवरी डे.
स्पोर्ट्स वोर्ट्स का कोई शौक नहीं भाई, स्प्राउट्स होते ना जो रात को दाल और चने भिगोती, सुबह उनकी चोटियां निकल आती ना, उनमें नींबू निचोड़ के प्लेयर्स को सैलड बना खिलाती है, ये काम करती है वानखेड़े स्टेडियम में। खाना बहुत अच्छा मिलता है वानखेड़े में, है ना? तो वर्ल्ड कप चैंपियन ग्राउंड है भाजी, तो बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी मैं सीरियसली बोल रही हूँ, भूरी प्रीमियर लीग, मेरी टीम बिल्कुल रेडी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी है, आप बस साइन कर दो और मेरे टीम के कैप्टन बन जाओ, बस रेडी। ए स्टंप की गिल्ली, दूध पीती बिल्ली, एक ऐसा फाइट देगी ना तेरे को, सीधा जाके गिरेगी दिल्ली। ये सपनों ली क्या, इल्ली गिल्ली बिल्ली लगा के रखा है? सुरेश रैना है, गुलजार साहब नहीं। हाँ तो तेरे को जब पता है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं तो तू आती क्यों है? तेरे से ना मैं बाद में बात करेगी। ए काहे को बाद में, अभी बात कर, अभी बात कर तू। एक तो ना इसको बड़े बड़े आर्टिस्टों से बात करने का बहुत शौक है। अभी गेस्ट लोग आए, मेरे को उनसे बात करने देना। हाय, हेलो, वेरी नाइस, आई बिग फैन। सच्ची बताऊं, आप दोनों को इधर देख कर ना मेरा दिल ईडन गार्डन हो गया। मेरे को जिंदगी में ना कप्पू सिर्फ दो ही चीजें अच्छी लगती है, चिड़िया में मैना और क्रिकेटर में रहना। आज अगर सचिन तेंदुलकर आते तो क्या बोलती? सरकारी विभाग में आयकर और स्पोर्ट्स में तेंदुलकर, मेरे को बहुत पसंद है। खाने में साग और बैट्समैन में सहवाग, मेरे को बहुत पसंद है। मैं अपना बना लेती है रे। मैं अपना बना लेती है, तू अपना बना के दिखा। मुझे ग्लास में पानी और मुकेश अंबानी बहुत पसंद है। मुकेश अंबानी तो क्रिकेटर है ही नहीं। ओ, क्रिकेटर बनने की जरूरत ही, उनके पास पूरा का पूरा क्रिकेट टीम है। अरे भाई सीख गई रे कप्पू, 10 साल में पहली बार जवाब दिया, वेरी नाइस, वेरी गुड। ए सपनोली, अभी 3 महीना गोवा में जाके रेस्ट करो, ठीक है? हम लोग शो चला लेंगे। ए ज्यादा बोल मत, अगली लाइन बोल। अरे अगली लाइन बोल रही, उनको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहे। किस बात की? सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पिक्चर को 25 साल हो गए। इनकी कौन सी पिक्चर? कौन सी पिक्चर? रहना है तेरे दिल में। वो आपका पिक्चर नहीं है? नहीं। अच्छा सॉरी, मैं टीवी में ना आपकी बाई को भी देखी थी। कौन सी बाई? लेग बाई। सॉरी सर, बुरा मत मानना, हम लोग का ऐसे लैंग्वेज रहता है। जब तक हम लोगों का कोई कंप्लेन नहीं करेगा और SNP का कोई केस नहीं होगा ना, हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। अपने बारे में बता रही सर, मेरा इधर सर पार्लर है, तो हम लोग इधर अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं, तो आइए ना आप कभी, भाभी के बिना। ज्यादा तेल मत लगा सुरेश जी को, वो मेरे टीम के कैप्टन है। सर मैं बोल रही हूँ, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तू साइन मत करवा रे बाबा, तू कोई अच्छा सा बाबा देख कर ना झाड़ फूक करवा। देख ये सेम बात, डिटो बात ना कप्पू बोल चुका है। हाँ तो इतने लोग बोल रहे हैं तो करवाती काहे को नहीं है रे। मैं एक बहुत अच्छे बाबा को जानती है जो मेडलैंड में रहता है। उनका नाम है बुलबुल बाबा। आपको क्या लगा, आपके बारे में बोल रही है मैं? अब आपको प्रमोट नहीं करेगी मैं। हाँ अच्छा, बोल रही है अच्छा। वो अलग बात है, वो बाबा उन्हीं का चेला है। आपको पता है बुलबुल बाबा, अरे कमाल के, उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या? उनको पानी में डालो ना तो वो बुलबुलें छोड़ती। ये क्या फालतू की बातें कर रही सपना? अरे कप्पू, मैं तो उसको थुलथुल बाबा के पास भेजने वाली थी। थुलथुल बाबा? हाँ, वो पानी में थुलथुले छोड़ रहे थे यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा गुलगुल जो रहते हैं ना, वो ज्यादा क्यूट रहते हैं। वेरी नाइस। अच्छा सर, मेरे को रेना जी, उधर ना मैं, हमारा नाला सुपारा में रहते हैं, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो उधर ना मैं SPL करवा रही है, सपना प्रीमियर लीग। तो मैं चाहती है कि मेरा जो टीम रहेगा, अगर आप उसके कैप्टन बन गए। ऑटो की क्रिस गेल, ये मेरे टीम के कैप्टन है, और टीम बनाने के लिए ना खिलाड़ी चाहिए होते हैं। ए डकवर्थ लुईस की फूफी, ज्यादा बकवास नहीं करना, मेरे पास खुद के खिलाड़ी है। सर मैं अपना पूरा टीम बना लिया, ऐसे नहीं आई हम, ये काम प्रिपरेशन। हमारी टीम में बहुत सारे सर खिलाड़ी हैं, राहुल लंगोटिया, राहुल फोकटिया, राहुल कालरा, राहुल मालरा। ये सारे राहुल ही तुम्हारे टीम? आजकल 2020 में राहुल ही चल रहे हैं। और सर हमारे जो राहुल फोकटिया है ना, वो तो इतना फास्ट बॉलर है, वो पैड तक नहीं पहनता मालूम है। उसे डर नहीं लगता? मोबाइल पे खेलता है ना।
सर मैंने ना हम लोग का फास्ट बोलिंग जो रहते हैं ना फास्ट बोलिंग उसके लिए एक नेता रखा हुआ है. नेता? क्यों? अरे नेता फेंकने में बहुत अच्छे रहते हैं रे. हाँ इसलिए एक नेता तो मांगता ही मांगता है. और स्पिनिंग जो रहते हैं ना सर उसके लिए मेरा छावा है मुकेश, मैं उसको रखेली. एक सेकंड, लेकिन वो तो डुक्कर धोता है. अरे तो क्या हुआ तेरे को मालूम है? अरे एक बार के लिए स्पिनर को फेस करना इजी रहता है, डुक्कर को फेस करना इजी नहीं रहता है. हाँ डुक्कर ऐसा सामने से भागकर आएगा ना, ऐसा लगेगा डुक्कर आया 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 आया, डुक्कर इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, लेकिन डुक्कर उस तरफ मिड ऑफ की तरफ चला जाता है. और मिड ऑफ की तरफ पकड़ने के लिए जाओ ना तो वो एकदम क्या बोलते हैं स्पिनों के पॉइंट की तरफ चला जाता है. फिर पॉइंट की तरफ पकड़ने के लिए तो ऐसा घूमता है कि मुरली का धरण तक पीछे रह जाए. ऐसा इजी नहीं रहता है. बहुत टाइम लगा याद करने को, मैं आपको बता दूं. अभी मेन जो है हमारा कमेंटेटर, वो तो मेन रहता है. तो कमेंटेटर मालूम है तेरे को कप्पू? मैं सिद्धू जी को रखी लिए. सिद्धू जी को कमेंटेटर क्यों? अरे उनको कहीं तो रहने दो यार, तुम्हारे ने यहाँ से भी हटा दिया. मैं उनसे प्यार करती है, मैं उनको रखेगी. सर आपका खून नहीं खोलता इनको देख के, मतलब आपके बंदे को हटा दिए इधर से इन लोगों ने. मैं सर बोलती है मेरा प्लीज आप मेरे उधर कैप्टन बन जाओ ना, मैं आपको साइनिंग अमाउंट में ना हम लोग के पास इधर अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, मैं आपको मसाज देगी. हेड एंड टेल मसाज. अच्छा. नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसका ना आप इसके बात में मत जाए, इसका मैं आपको बता दूं, हेड पे तेल लगा के टेल का मसाज करेगी, इसका ऐसे ही चलता है. ए इतना इजी नहीं रहता है सर, इतना इजी नहीं है ये, कुछ भी बोल रहे. हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं सर मसाज में. हम लोग क्या करते हैं हेड एंड टेल में, तेल जो है ना वो ऐसा नीचे ऐसा बिखेर देते हैं और कस्टमर को हवा में उछालते हैं. हाँ. और पैर से पकड़ते हैं और फिर उसका जो हेड है ना वो तेल में रगड़ते हैं. ऐसा रहता है हेड एंड टेल मसाज. तू क्या इतना सिंपल सुना दी? अभी क्या है ना सर 200 एपिसोड हो गए ना हमारे. हाँ. तो लोग पहले ही गेस कर लेते हैं, मैं बहुत शाणी हूँ, मैं पहले ही चेंज कर लेती. ऐसे रहते हैं. तो ठीक है सर, कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? अरे वो पहले मैं आई हूँ, वो मेरी टीम के कैप्टन है. अरे उससे कुछ नहीं होता, पहले तो सिद्धू जी भी आए थे. लेकिन अभी कैप्टन कौन है? अमरिंदर. खैर ये अपने अपने घर की है. नहीं, येलो कलर है ना, तो येलो फॉर लाइफ आपके साथ ना. हाँ तो खुद बोल दिए सर. तो सर आप रहने जी इनकी टीम में और मैम मेरी टीम में. अच्छा है ना, हम ही जीतेंगे. हम लोग जीतेंगे ना, बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ. अरे पहले ही बोल दिया लो, अभी खेल के दिखा तू. नहीं खेलेंगे, नहीं नहीं खेल में कोई प्यार नहीं है. हाँ खेल में तो जीतना पड़ेगा ना. फिर आप ही देख लो, अब घर में आप ही को जाना है बाद में. ये तो प्रेशर डाल रहे भाई. आइए सर खेलते, आइए ना मैम. चलो अरे लेकर आओ रे. आप करोगे पहले बैटिंग और प्रियंका जी करेंगी बॉलिंग. हेलो 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 हेलो. और कपिल है हमारे अंपायर और कमेंटेटर. भाई और बहनों, आपने डोमेस्टिक इंटरनेशनल आईपीएल बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, लेकिन आज आपको प्योर ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मैच दिखाने जा रहे हैं. देखो मैं देखो शो में तो मेरा पता साफ कर गई अर्चना. तो कमेंटेटर बन गया भज्जी. हाँ. मैं अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ. अच्छा. डोमेस्टिक भी मतलब बहुत ज्यादा डोमेस्टिक, जिसमें पति पत्नी खेलेंगे और मैं कमेंट्री करूंगा. तो सुरेश रैना जो हैं आ गए हैं बैट लेके. हाँ. और सामने हैं उनकी खूबसूरत वाइफ प्रियंका रैना. तो बॉल वो फेंकेंगी और तू आउट हो जाना बच्चू, मैं तेरा सीनियर बता रहा हूँ कहाँ है. एक बार जोरदार तालियां सुरेश भाजी और प्रियंका भाभी के लिए. पाजी आज आप दोनों ने आके ना महफिल बना दी, आज की शाम यादगारी हो गई और लोगों को बरसों तक ये शाम याद रहेगी. बिकॉज आज आप पहली बार मेरे, प्रियंका भाभी तो मेरे ख्याल से पहली बार ही किसी टीवी शो पे आई हैं. आगे और किसी पे जाना भी नहीं, यही बेस्ट है. बिल्कुल, आई टोटली एग्री. सुरेश पाजी भाभी थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू कपिल. आई होप आपने मजा किया होगा. वेरी काइंड ऑफ यू. बहुत मजा किया, बहुत मजा आया. फिर आ जाएगा छह महीने बाद. दस महीने बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, वो भी इतनी स्पेशल जगह के लिए. थैंक यू सो मच बाबी फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.